अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कर दिया कि उनकी सेनाएं रूस और यूक्रेन में जंग के लिए नहीं जाएंगी, लेकिन नेटो देशों की जमीन की रक्षा के लिए पूरी ताकत झोंक देगी। बाइडेन ने यह भी कहा कि नेटो अब पहले से ज्यादा एकजुट है। बाइडेन ने यूक्रेन पर हुए साइबर अटैक का भी जिक्र किया और बताया कि ये कोई भ्रम या अफवाह नहीं है। पुतिन ने खुद इस युद्ध को चुना है, अब उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। बाइडेन ने इस बारे में भारत से चर्चा करने की बात कही। Our forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight in Ukraine. As I made crystal clear, the United States will defend every inch of NATO territory with the full force of American power. And the good news is, NATO is more united and more determined than ever. There is no doubt. We've been transparent with the world. We share declassified evidence about Russia's plans and cyber attacks and false pretexts so that there could be no confusion or cover-up about what Putin is doing. Putin is the aggressor. Putin chose this war. And now he and his country will bear the consequences. Today, I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia. We're in consultation with India today. We haven't resolved that completely. रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में एयरपोर्ट समेत अलग अलग इलाकों पर भी हमले शुरू कर दिए। इसके लिए रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर कीव में घुसते दिखाई दिए और वहां से आई एक तस्वीर में दिखाई दिया कि आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टरों ने एक जगह पर हमला कर दिया, जिसके बाद वहाँ आग के गोले उड़ते नजर आए। एक तरफ ये हमला हो रहा था तो दूसरी तरफ शहर के बीचों बीच धुएं का गुबार उड़ता दिखाई दिया। जाहिर है वहाँ भी रूस के हेलीकॉप्टरों ने हमला किया होगा, क्योंकि कुछ लड़ाकू हेलीकॉप्टर जब आगे की तरफ चले गए तभी एक के बाद एक कई और हेलीकॉप्टर आसमान में मंडराने लगे। कीव में घुसने वाले रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की गिनती मानो खत्म ही नहीं हो रही थी। और इस बीच शहर में धुएं के और गुबार भी आसमान की तरफ उठते नजर आए। और सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए ही नहीं, रूस ने लड़ाकू विमानों को भी हमले में लगा दिया और यूक्रेन की राजधानी फाइटर प्लेन की गरज से थर्रा उठी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में रूस के लड़ाकू विमान कीव के आसमान में मंडराते दिखाई दिए। पहले चार फाइटर प्लेन तेजी से एक इमारत के ऊपर से उड़कर जाते नजर आए। इसके बाद उन विमानों के पीछे ही चार और लड़ाकू विमान वहां से तेजी से गुजर गए। कीव पर हवाई हमले होते ही पूरे शहर में सायरन की आवाजें गूंजती सुनाई दी। लोगों को सुरक्षित जगहों पर छिप जाने की चेतावनी दी गई, लेकिन शहर के ऊपर से रूसी जंगी जहाजों का गुजरना जारी रहा। राजधानी पर हमला होते ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ने लोगों से नहीं घबराने की अपील की। Ми працюємо. Армія працює. Працює весь сектор безпеки і оборони України. लेकिन हवाई हमले के बाद सायरन की आवाज सुनते ही कीव में भगदड़ जैसे हालात दिखाई दिए। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें नजर आईं। हवाई हमले के बाद जान बचाने के लिए लोग कीव से भागते दिखे। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने देश के लोगों से भरोसा बनाए रखने की अपील की। Ми сильні, ми готові до всього, ми всіх переможемо, бо ми це Україна. कीव में ऐसे हालात के बीच एक आदमी सड़क पर एक मलबे का वीडियो बनाते दिखाई दिया। वीडियो में दावा किया गया कि सड़क पर बिखरे लोहे के बड़े बड़े टुकड़े रूस की तरफ से दागी गई क्रूज मिसाइल के हैं। वीडियो बना रहे आदमी ने वहां बिखरे हर टुकड़े को एक एक कर दिखाया।